हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल संजीव फैंटेसी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे WPL 2023 का मैच जो फ्रेंड्स खेला जाएगा यूपी वॉरियर्स ओमेन और मुंबई इंडियंस ओमेन के बीच में। फ्रेंड्स, ये जो मैच है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट और धमाकेदार मैच होने वाली है फ्रेंड्स, खास करके मुंबई इंडियंस के लिए। फ्रेंड्स, अगर आज के मैच को यहाँ पर मुंबई विन करती है तो फ्रेंड्स उसके प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने का चांस काफ़ी बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। वही फ्रेंड्स, अगर आज के मैच को यहाँ पर यूपी लूज करती है तो फ्रेंड्स उसके प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट और धमाकेदार मैच होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को देखना एंड तक। फ्रेंड्स, हम इस मैच के बारे में बात करेंगे कि आपके इस मैच के लिए कौन से बेस्ट GL का पिक्स हो सकता है, कौन से आपके बेस्ट SL का पिक्स हो सकता है, कौन से आपका बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकता है, कौन से आपके बेस्ट यहाँ पर फैंटेसी टीम हो सकता है जिससे कि बिजी ग्रैंड लीग को विन कर सको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के स्किप किए बगैर देखना एंड तक। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए 10 ग्रैंड लीग प्लेयर्स को पिक करके रखा जो कि फ्रेंड्स आपको आज के मैच में ग्रैंड लीग विन करवा के दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 10 प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कॉलम कॉपी लेकर रेडी हो जाओ, आप लोग नोट करना और इस 10 प्लेयर्स को फ्रेंड ग्रैंड लीग में ट्राई करना। साथ ही फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इस वीडियो में 4 बेस्ट कैप्टन का ऑप्शन दिया जो कि आपको इजी ग्रैंड लीग में विन करा कर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये आप लोग कॉलम कॉपी लेकर रेडी हो जाओ और नोट करना और इसको ट्राई करना। अगर ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक दोस्तों नहीं आए तो मुझे आप लोग गाली देना, कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है। साथ ही फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखते देखते बोर ना हो जाओ। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए 5000 का फ्रेंड मैंने रखा इनाम। दोस्तों, मैं एक छोटा सवाल पूछूंगा, फ्रेंड्स आपको उस सवाल का जवाब देना है और 5000 रुपये फ्रेंड्स फ्री में जीत के चला जाना है। फ्रेंड्स, आपको फ्री का चीज़ को नहीं छोड़ना, गाइस फ्री का चीज़ को नहीं छोड़ जाता। वीडियो देखो और 5000 रुपये विन करके चले जाओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, बात करें आज का मैच का। फ्रेंड्स, आज का मैच दोस्तों खेला जाएगा ब्रेवरॉन स्टेडियम मुंबई में और फ्रेंड्स आपको खेला जाएगा मैच शाम को 7:30 बजे। फ्रेंड्स, ये मुंबई का होम ग्राउंड है, फ्रेंड्स इसको भूलना मत आप लोग। अब गाइस, बात करें पिच रिपोर्ट का। फ्रेंड्स, मैच का 90% दोस्तों पार्ट सब कुछ पिच पर डिपेंड होता है। फ्रेंड्स, अगर पिच बैटिंग है तो बैटिंग के अकॉर्डिंग टीम बनती है, अगर बॉलिंग पिच है तो बॉलिंग के अकॉर्डिंग टीम बनती है, अगर एवरेज पिच है तो उसके अकॉर्डिंग टीम बनती है। तो फ्रेंड्स, हमको पिच को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपने पिच को समझ लिया तो आप यहाँ पर 90% मैच को विन कर जाओगे। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट को आप लोग स्किप नहीं करना। फ्रेंड्स, यहीं पर फ्रेंड्स आपका चलता है पता कि हमें बैट्समैन को लेना है, बॉलर्स को लेना है, ऑलराउंडर्स को लेना है, फास्टर को लेना है, स्पिनर्स को लेना है, सब कुछ पिच पर ही डिपेंड होता है। फ्रेंड्स, इस पार्ट को मिस बिल्कुल ही मत करना। तो फ्रेंड्स, बात करें पिच का। फ्रेंड्स, ये पिच है गाइस बैटिंग पिच है, क्योंकि फ्रेंड्स इस पिच पर जो टीम पहले बैटिंग करती है फ्रेंड्स एवरेज जो स्कोर रहता है फ्रेंड्स 170 का रहता है। और फ्रेंड्स, बात करें इस पिच के हाई स्कोर का जो फ्रेंड्स है 223 रन 2 विकेट पर। और फ्रेंड्स, वहीं बात करें इस पिच का लो स्कोर का जो कि 138। यानी फ्रेंड्स, अगर ओमेंस लोग अगर बैटिंग करती है इस पिच पर और 180 प्लस स्कोर बना देती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लगभग चेस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा इस पिच पर। तो यहाँ पर जो टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग ही करेगी। अब फ्रेंड्स, बात करें WPL टोटल मैच की। थे फ्रेंड्स, इस ग्राउंड पर अभी तक 4 मैच हुआ है इस लीग का और फ्रेंड्स यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट ने जिताया 2 बार और बैटिंग सेकंड ने जिताया 2 बार। यानी फ्रेंड्स, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों ने बराबर बराबर वाली जीता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर पहले कोई टीम बैटिंग करके 180-190 के स्कोर बनाते तो फ्रेंड्स यहाँ पर चेस करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी हार्ड पिच है, बाद में बैटिंग करने लगी, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी है। वही फ्रेंड्स, बात करें इस पिच के स्कोरिंग पैटर्न का। तो फ्रेंड्स, इस पिच पर 150 से नीचे का स्कोर बना है 1 बार और 150 से लेकर के 169 के बीच में बना है 1 बार। और फ्रेंड्स, वही 169 से लेकर के 189 के बीच में अभी तक 1 बार गाइस नहीं बना है फ्रेंड्स, और वो 190 से ऊपर बना है 2 बार। यानी फ्रेंड्स, इस पिच पर आप देखिएगा जो स्कोर एवरेज है 170 से 189, फ्रेंड्स अभी तक 1 बार नहीं बना है फ्रेंड्स, वही 150 और 170 के बीच में 1 बार बना है, और 190 सुपर गाइस बना है 2 बार। फ्रेंड्स देखिए आप, 190 सुपर बना है 2 बार। यानी फ्रेंड्स, बैटिंग पिच है, यानी कि बैट्समैन को काफ़ी हेल्प है इस पिच पर। अब फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पर किस बॉलर्स को हेल्प है। तो फ्रेंड्स, लेफ्ट आर्म फास्ट को उतना खास हेल्प नहीं फ्रेंड्स, 2 इनिंग को देखिएगा तो फ्रेंड्स सिर्फ 4 विकेट ही यहाँ पर मिला है, तो कुछ खास हेल्प नहीं राइट लेफ्ट आर्म फास्ट को। वहीं फ्रेंड्स, लेफ्ट आर्म स्पिन को फ्रेंड्स हेल्प है, पहले इनिंग में हेल्प है, सेकेंड इनिंग में हेल्प नहीं है। वहीं फ्रेंड्स, राइट आर्म फास्ट को देखा जाए तो पहले इनिंग में हेल्प है और दूसरा इनिंग में भी हेल्प है। और वे राइट आर्म स्पिन का देखा जाए फ्रेंड्स, पहले इनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प है और दूसरे में थोड़ा कम है लेकिन हेल्प है। तो गाइस यहाँ पर देखिएगा, सिर्फ लेफ्ट आर्म फास्ट को कुछ खास हेल्प नहीं है, बाकी स्पिन को, राइट आर्म फास्ट को, राइट आर्म स्पिन को, सबको हेल्प है ठीक ठाक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसके अकॉर्डिंग टीम करें। फ्रेंड्स, आप लोग जितना हो सके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स उसको ड्रॉप करें, ठीक है, मैच के मैच में।
और फ्रेंड्स बात करें रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू की, फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पिछले 3-4 मैच में कैसा हुआ था, उसमें बैट्समैन की हेल्प था कि बॉलर्स हेल्प था, फास्टर्स की हेल्प था कि स्पिनर्स की हेल्प था, कितना विकेट्स गिरा था, पहले इनिंग में कैसे हुआ था, सेकेंड इनिंग में कैसे हुआ था, फ्रेंड्स ये सब आपको चलेगा पता है रिसेंट मैच में। तो फ्रेंड्स इस पार्ट को भी देखना ध्यान से। तो गाइस यहाँ पर एक मैच हुआ था, यहाँ पर RCB ओमेन और यहाँ पर UP ओमेन के बीच में, जहाँ पर फ्रेंड्स बनाया था RCB ने मात्र 138 पर हो गया था ऑल आउट। फ्रेंड्स उसको यूपी ने काफ़ी आसानी से चेस कर लिया। फ्रेंड्स यूपी का एक विकेट भी इस पिच पर नहीं गिरा था। फ्रेंड्स उस दोस्तों मैच में पेसर्स को एक विकेट ही फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं मिला था गाइस, देखिएगा स्पिनर्स को 8 विकेट मिल गया था। यानी फ्रेंड्स एक मैच हो जहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प था अच्छा खासा। फिर फ्रेंड्स एक और मैच हो गया दोस्तों खेला गया था गुजरात जायंट्स ओमेन और RCB ओमेन के बीच में, जहाँ फ्रेंड्स बना था गुजरात ने 201 रन और फ्रेंड्स RCB उसको चेस नहीं कर पाया, 190 पर हो गया था, सिमट गया था पारी, लगभग मतलब ओवर खत्म हो गया था। फ्रेंड्स उस मैच में पेसर्स को मिला था 5 विकेट और स्पिनर को मिला था 7 विकेट। फ्रेंड्स उस मैच में भी स्पिनर्स की हेल्थ थोड़ा सा ज़्यादा था। फ्रेंड्स एक और मैच हो यहाँ पर दोस्तों RCB ओमेन और मुंबई इंडियंस ओमेन के बीच में, जहाँ पर RCB ने बनाया था 155 रन और वही मुंबई ने चेस कर लिया 159 रन बना करके। फ्रेंड्स उस मैच में पेसर्स को मिला था 2 विकेट और स्पिनर को मिला था 8 विकेट। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेंड्स स्पिनर्स को काफ़ी अच्छा खासा इस पिच पर हेल्प है। वहीं फ्रेंड्स एक और मैच हुआ था दिल्ली ओमेन और RCB ओमेन के बीच में, जहाँ फ्रेंड्स बनाया था दिल्ली ओमेन ने 223 रन इस पिच का हाई स्कोर और उसको RCB चेस नहीं कर पाया, फिर से 163 बना पाया था। फ्रेंड्स उस मैच में पेसर्स को मिला था 6 विकेट और स्पिनर को मिला था 4 विकेट। फ्रेंड्स दोस्तों आप लोग पेसर्स को भले ही ड्रॉप कर देना इस मैच में, लेकिन स्पिनर्स को फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना गाइस, आपको काफ़ी भारी साबित हो सकती है स्पिनर्स को ड्रॉप करना, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करें हम यहाँ पर यूपी वॉरियर्स की प्लेइंग 11 का, तो एलिसा हिली है, देविका वैद्या, श्वेता शेरावत है, किरण देओल है, टीम मैकग्राथ है, दीप्ति शर्मा है, ग्रेस हैरिस है, सिमरन शेख है, सोफी लक्सटोन है, अंजलि सरवानी है, राजेश्वरी गायकवाड़ है। यानी फ्रेंड्स लगभग वही होगा प्लेइंग 11 लास्ट मैच का, ठीक है। वही फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग बात करें यूपी वॉरियर्स की रिसेंट परफॉर्मेंस का, फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर 5-6 मिनट दोस्तों समय निकालो, फ्रेंड्स मैं आपको यहीं पर बताऊँगा ग्रैंड लेग का पिक्स। दोस्तों ये 5-6 मिनट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको होने वाले आज के मैच में। तो फ्रेंड्स देखिए पहले दोस्तों हमारा नाम है एलिसा हिली। दोस्तों एलिसा हिली का देखिए फ्रेंड्स 4 मैच में ठीक ठाक किए, फ्रेंड्स एक मारी 96 रन, बाकी में कुछ खास नहीं किया, लेकिन दोस्तों अच्छी प्लेयर है। लेकिन दोस्तों 96 जो रन आए थे फ्रेंड्स इसी ग्राउंड पर दोस्तों आया था, तो फ्रेंड्स आपको वन ऑफ द मोस्ट पिक है और कैप्टेंसी के लिए बेस्ट पिक एलिसा हिली है, फ्रेंड्स इसको नोट कर लो आप लोग। सेकंड फ्रेंड्स हमारा देविका वैद्य, दोस्तों इनका देखा जाए तो इन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, कुछ खास किया नहीं है, लेकिन दोस्तों रिसेंट तो कुछ खास नहीं किया है, 36+0 विकेट, 23 रन, 4 रन, 0 विकेट, 0 विकेट। लेकिन दोस्तों इस वेन्यू पर जहां पर मैच आज का होने वाला है फ्रेंड्स, एक मैच खेली है, अच्छी टॉस में नजर आई थी फ्रेंड्स, 36 रन बनाई है, तो इस ग्राउंड का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, थोड़ा ठीक ठाक है। तो फ्रेंड्स मैं कहूँगा ये भी आपके लिए बेस्ट पिक नहीं फ्रेंड्स, पंट पिक हो सकती है। पॉइंट पी का दोस्तों मतलब है दोस्तों आज इसको काफ़ी कम लोग लेंगे, मुश्किल से आपको 20-30% लोग लेंगे, लेकिन दोस्तों अच्छी है, प्लेयर भी अच्छी है, ओपन करती है और कहीं यूपी पहले बैटिंग करती है, तो फ्रेंड्स बैटिंग पिच भी है तो, और यहाँ पर दोस्तों रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है इस ग्राउंड पर, तो आपके लिए पॉइंट पिक हो सकती है देविका वैद्य फ्रेंड्स, आप लोग पॉइंट पिक में इसको नोट कर लो। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा टीम मैकग्राथ। फ्रेंड्स टीम मैकग्राथ दोस्तों कुछ खास ये भी नहीं कर पाई है फ्रेंड्स, एक मैच चली 90 रन प्लस एक विकेट, बाकी कुछ खास नहीं की है, तो फ्रेंड्स ये भी इसको भी काफ़ी कम लोग लेंगे, तो फ्रेंड्स आपको ग्रैंड लीग में इसको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, आपको ट्राई करना है और वन ऑफ द बेस्ट कैप्टेंसी का ऑप्शन है आपको ग्रैंड लीग के लिए, फ्रेंड्स इसको नोट कर लो आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई करना। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दीप्ति शर्मा, तो दीप्ति शर्मा फ्रेंड्स हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, लास्ट मैच फ्रेंड्स उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था और दोस्तों इस वेन्यू पर एक मैच खेलिए 3 विकेट निकालिए, लास्ट मैच इसी ग्राउंड पर हुआ था, तो यहाँ पर दीप्ति शर्मा के लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है फिर से अच्छा करने का, और आपको इसको ड्रॉप नहीं करना है, स्मॉल लीग में ट्राई करना है, ग्रैंड लीग में भी ट्राई करना है, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारी है ग्रेस हैरिस। दोस्तों हैरिस ने एक मैच में अच्छा किया था, 15 रन बनाया, भाई कुछ खास नहीं कर पाई है पूरा टूर्नामेंट में, तो फ्रेंड्स इसको ट्राई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, अगर पहले बैटिंग करती है यूपी तो फ्रेंड्स मैं कहूँगा इसको ड्रॉप करना, इसको मत लेना, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी नीचे बैटिंग करने के लाती है, तो बैटिंग पिच तो शायद इनको बैटिंग करने का मौका ना मिले, काफ़ी कम गेंद मिले, तो मैं कहूँगा थोड़ा रिस्की है, लेकिन ट्राई कर सकते हो कब, अगर यूपी बॉलिंग करती है सॉरी सेकंड चेस करती है, तो कहीं अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है तो आपको शायद जाकर ग्रेस हैरिस को बैटिंग करने का मौका मिले, तो रन करके दे, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में इसको ड्रॉप करना है, ट्राई करना होगा तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, बेस्ट पिक आपके लिए हो सकती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है सिमरन शेख। दोस्तों दो मैच खेलिए, कुछ खास नहीं की है, तो इसको भी ट्राई मतलब इसको ड्रॉप ही कर दो मैं कहूँगा, ठीक है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा सोफी इलेक्ट्रॉन। गाइज इलेक्ट्रॉन दोस्तों मतलब किसी भी कीमत पर फ्रेंड्स ड्रॉप नहीं कर सकते, चाहे वो ग्रैंड लीग हो स्मॉल लीग हो, आपको इसको ड्रॉप नहीं करना है। इसको दोस्तों काफ़ी अच्छी है, हर एक दोस्तों कोई ऐसा मैच नहीं जहाँ पर इसने विकेट नहीं निकाला हो, रन्स नहीं किया हो। और फ्रेंड्स इस वेन्यू पर एक मैच खेलिए, चार विकेट निकाले, जो कि पहला मैच इसी टूर्नामेंट का जो कि चार विकेट निकाली थी। तो बेस्ट पिक है इसको, बेस्ट वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी का ऑप्शन आपके लिए ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों के लिए है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा अंजलि सरवंदे दोस्तों, उन्होंने कुछ खास किया नहीं है, दो चार मैच दो विकेट निकाली, आपको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, शायद दो तीन विकेट निकाल कर दे दे तो ग्रैंड लीग में अच्छा पिक हो सकती है, लेकिन स्मॉल लीग में नहीं अच्छा पिक है, ठीक है। फ्रेंड्स लास्ट हमारा गायकवाड़, फ्रेंड्स गायकवाड़ दोस्तों देखा जाए तो सिर्फ दो विकेट निकाली है, कुछ खास दोस्तों की नहीं है दोस्तों, तो मैं कहूँगा शायद आज ना खेले, खेले तो भी मैं कहूँगा इसको मत लो, लेकिन ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स इस वेन्यू पर एक मैच एक विकेट लिए, तो शायद कहीं आज दो विकेट ले ले तो थोड़ा पंट पिक हो सकता है आपके आज के मैच में ग्रैंड लीग के में, तो ट्राई कर सकते हो, शायद अच्छा करके दे दे, ठीक है आज के मैच में। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 का, तो फ्रेंड्स हमारा हेली मैथ्यूज है, यशिका भाटिया है, नेट सीवर है, हरमनदीत कौर है, अमेला केर है, अमनजोत कौर है, पूजा वस्त्रकर है, इसी वांग है, जिंतमानी कलिता है, शाका इशाक है, हुमैरा काजी है, लगभग सही सेम होगा प्लेइंग 11 लास्ट मैच का ही। अब फ्रेंड्स बात करें रिसेंट परफॉर्मेंस का, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ग्रैंड लीग का पिक्स बता दिया यूपी का, आप जो बात करेंगे मुंबई का कौन सा ग्रैंड लीग का पिक्स आपके आज के मैच में हो सकता है। तो फ्रेंड्स पहला दोस्तों हमारा नाम है हेली मैथ्यूज, दोस्तों मैथ्यूज चाहे आप देखिएगा 32 3 विकेट, 77 रन प्लस 3 विकेट, 47 रन प्लस 0 विकेट, 20 रन प्लस 2 विकेट, फ्रेंड्स चाहे बैटिंग से हो बॉलिंग से हो आपको पॉइंट्स देंगे ही देंगे। और फ्रेंड्स इस ग्राउंड पर एक मैच खेलिए, 77 रन बनाइए, 3 विकेट लिए, तो इसको भाई कौन पागल होगा जो ड्रॉप करेगा, इसको ड्रॉप नहीं करना है, इसको टीम में लेना है और कैप्टन भी बनाना है स्मॉल लीग में, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा यशिका भाटी, दोस्तों इन्होंने कुछ खास किए नहीं, एक मैच चलिए 41 रन 23 रन 1 रन 4 रन, लेकिन दोस्तों इस ग्राउंड पर ठीक ठाक किए, एक मैच खेलिए 23 रन बनाइए, और दोस्तों ओपन करती है और क्या दोस्तों ये बैटिंग ग्राउंड है, बैटिंग पिच है, तो कहीं मुंबई बैटिंग करती तो फ्रेंड्स आज के मैच में आपको ये पॉइंट पिक हो सकती है। बैटिंग पिच है तो शायद से फॉर्म में वापस चल रहा है, अगर आपको मान लीजिए 40-50 रन बनाकर दे दे तो फ्रेंड्स आपको मस्ट पॉइंट पिक ये हो सकती है, इसको ट्राई करना है कहाँ स्मॉल लीग में, और ग्रैंड लीग में ट्राई करना है आप लोग, कैप्टन ट्राई करो, शायद कहीं अगर खुदा ना खास मैथ्यूज फ्लॉप हो गई और ये चल गई तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा पॉइंट दे सकती है ग्रैंड लीग में, ठीक है ट्राई करना है ग्रैंड लीग में। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा एन सीवर, दोस्तों एन सीवर का फ्रेंड्स आप देखिएगा दोस्तों काफ़ी अच्छा किया, 23 रन प्लस 0 विकेट, 55 रन प्लस 1 विकेट, 23 रन प्लस 2 विकेट, 40 रन प्लस 0 विकेट, फ्रेंड्स हर एक मैच दोस्तों बैटिंग से बॉलिंग से पॉइंट्स आपको दिए, और फ्रेंड्स इस ग्राउंड पर एक मैच खेलिए 55 रन बनाइए, तो फ्रेंड्स मैं कहूँगा आपको बेस्ट पिक है, आपको इसको ट्राई करना है कैप्टन स्मॉल लीग में ग्रैंड लीग में भी। फ्रेंड्स हमारा हरमनप्रीत कौर, फ्रेंड्स इसको भी ड्रॉप नहीं कर सकते दोस्तों, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आप लोग चुपचाप से ले लेना आँख बंद करके, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है एमिला केर, दोस्तों इनका देखा जाए तो 0 विकेट 2 विकेट, 45 रन प्लस 2 विकेट, 66 रन प्लस 2 विकेट, फ्रेंड्स यहाँ पर लगातार दो मैच काफ़ी चेक करके आई है फ्रेंड्स, और इस ग्राउंड पर एक मैच खेली है 2 विकेट निकाली है, तो इसको भी ड्रॉप करना काफ़ी मुश्किल दोस्तों हो सकता है। दोस्तों देखिए मुंबई का दोस्तों टॉप 1 से लेकर के फ्रेंड्स 5 का दोस्तों जो है ना बैट्समैन काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, उसमें से आपको 5 में से कम 3 या 4 फ्रेंड्स आपको टीम में रखना फ्रेंड्स, आपको इसको इग्नोर नहीं कर सकते फ्रेंड्स। आज के मैच में बैटिंग अगर पहले करती है तो टॉप का जो 4 प्लेयर से 5 प्लेयर से फ्रेंड्स टॉप का 5 में से आपको 4 प्लेयर दोस्तों जरूर रखना है, ठीक है आपको अगर बैटिंग करती है तो, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है अमनजोत कौर, इनका देखा जाए तो 0 विकेट 41 रन प्लस 0 विकेट, 3 रन प्लस 0 विकेट, 17 रन प्लस 2 विकेट, फ्रेंड्स वो ठीक ठाक ये भी की है, लेकिन दोस्तों इस वेन्यू पर खेलने का मौका नहीं मिला, तो मैं कहूँगा फ्रेंड इसको आज के मैच में ड्रॉप कर दो, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन मैं कहूँगा ड्रॉप ही कर दो, ट्राई कर सकते हो लेकिन कहाँ ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में ट्राई मत करना। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है पूजा वस्त्रकर, फ्रेंड्स वस्त्रकर में भी कुछ खास किया नहीं है, तो फ्रेंड्स आज के मैच जो पॉइंट पिक मैं बोलता हूँ पॉइंट पिक मुंबई से फ्रेंड्स आपको पूजा हो सकती है, फ्रेंड्स पूजा का ट्राई करो बेस्ट स्मॉल लीग के लिए पॉइंट पिक है, और ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट कैप्टनसी का ऑप्शन है, थोड़ा रिस्की है लेकिन अच्छी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा इसी वांग, दोस्तों इसी वांग ने फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा किया है रिसेंट कुछ मैच देखा जाए, और दोस्तों काफ़ी अच्छी बॉलर भी, हर एक मैच विकेट्स निकाल कर दी है, लेकिन दोस्तों इस वेन्यू पर एक मैच खेले विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन दोस्तों इसी वांग को फ्रेंड्स आज काफ़ी लोग लेंगे, लास्ट मैच उन्होंने 3 विकेट निकाला था, तो मैं कहूँगा फ्रेंड्स आज थोड़ा सा रिस्क लेकर के इसको ड्रॉप कर दो, और इसके जगह फ्रेंड्स आप लोग पूजा वस्त्रकर को ट्राई करो, ठीक है काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जिंतमणि कलिता, दो मैच खेली है दोनों विकेट नहीं मिला है, कुछ खास की नहीं है, तो इसको
ड्रॉप कर दो। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा इशाक, दोस्तों इशाक ने फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट मैच में 4 विकेट लिया था, तो इशाक को भी ड्रॉप करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आप लोग इसको ट्राई करो, आपका विकेट निकल के देगी, 100% इसको ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है, लास्ट हमारा है हुमायना काजी। काजी ने भी कुछ खास किया नहीं है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन कहाँ ग्रैंड लीग में ट्राई करना फ्रेंड्स, मैं कहूँगा स्मॉल लीग में ट्राई मत करो, ग्रैंड लीग में आपको अच्छा खासा पॉइंट्स देकर जा सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग बात करें ना कि मेरा पंट पिक कौन कौन सा हो सकता है, मैं फिर से बता दूँ कि आप लोग भूल गए होंगे, मेरा ग्रैंड लीग का पिक्स देख लीजिए। तो फ्रेंड्स पहले दोस्तों हमारा यहाँ पर दोस्तों ग्रैंड लीग का पिक्स गाइस जो है देविका वैद्य है, 1 नंबर का पंट पिक है। दूसरा फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर दोस्तों टीम मैग्रथ है, ठीक है। तीसरा फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर दोस्तों है ग्रेस हैरिस है। चौथा फ्रेंड्स मेरा दोस्तों आपके दोस्तों है इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा तो सबको लेंगे इसको, फ्रेंड्स हमारा है गायकवाड़ को नहीं। चल तीस फ्रेंड्स मेरा 3 ही रहेगा फिलहाल यूपी से, ठीक है। और चाहो तो गायकवाड़ को एक ले सकते हो, पॉइंट पिक हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए, तो हमारा 4 प्लेयर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ यूपी से। अब जो बात करें मुंबई से, तो हमारा फ्रेंड यशिका भाटिया हो गया, 1 नंबर 5 का हो गया। छठा फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा यहाँ पर एच कौर और सीवर, फ्रेंड्स दोनों है, ठीक है, 6 प्लेयर हो गया, 7 प्लेयर हो गया। आठवां फ्रेंड्स हमारा दोस्तों है कहाँ गया, आठवां फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पूजा वस्त्रकर है, ठीक है। नाइन्थ फ्रेंड्स हमारा आज के मैच में है कतले है। दसवां फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर दोस्तों कौन सा है, काजी है फ्रेंड्स। ये 10 प्लेयर जो कि आपको आज के मैच में ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मेरा आज का गिवअवे का सवाल है, आपको 5000 इनाम में, उसका सवाल क्या है फ्रेंड्स, आज के मैच में यहाँ पर नेट सीवर कितना रन्स करेगी, कितना आपको विकेट्स देगी, आप लोग कमेंट कीजिए और 5000 रुपये विन करके चले जाइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने एनालाइज कर लिया, चलिए अब टीम को बनाते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर टीम को बनाते थे, फ्रेंड्स हमारे पास में यहाँ पर 2 विकेट कीपर है, एक यहाँ पर है ए हिली है, दूसरा वाई भाटिया है। तो फ्रेंड्स ए हिली को तो काफ़ी लोग लेंगे क्योंकि रिसेंट में काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन दोस्तों वाई भाटिया ने कुछ खास किया नहीं है, तो दोस्तों मैं तो ई हेली के साथ ही जाऊंगा और वाई भाटिया को फिलहाल मैं ड्रॉप करता हूं फ्रेंड्स। इन्होंने भी अच्छा किया था एक मैच में, लास्ट मैच अच्छा किया था, लेकिन आज अच्छा शायद ना करे, शायद फ्लॉप हो जाए, तो मैं कहूँगा इसको ग्रैंड लीग में ट्रैक कर लेना, ठीक है। तो मैं वाई भाटिया को ड्रॉप कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आते हैं बैट्समैन, तो मैं दोस्तों थोड़ा सा काफ़ी बड़ा रिस्क ले रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर हरमनप्रीत कौर को ड्रॉप करता हूँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा रिस्क है, लेकिन आप लोग चाहो तो मत लो, मैं थोड़ा रिस्क लेकर ड्रॉप कर दो फ्रेंड्स, मैं रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं डरता है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एच कौर और जी हैरिस फ्रेंड्स मैं दोनों को ही ड्रॉप करता हूँ। और दोस्तों मैं ट्राई करूँगा आज के मैच में किसको, एक दोस्तों ट्राई करूँगा यहाँ पर ट्रैन को, दूसरा नावगिरे को, ठीक है फ्रेंड्स, 2 ट्राई करूँगा मैं और एक ट्राई करूँगा शेहरावत फ्रेंड्स। मैं तीनों बैट्समैन को आज थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, तीनों पर रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन काफ़ी रिस्की हो जाता है, हम लोग चलिए एक छोड़ देता हूँ, शरद को लेकर छोड़ के मैं यहाँ पर एच कौर को ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी जी हैरिस को मैं यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। आगे आते हैं ऑलराउंडर दोस्तों, तो हमारा दोस्तों 4 दोस्तों 5 ऑलराउंडर बेस्ट जो कि लेने लेना है, एक केयर को लेना है, नेट सेवर को रखना है, दीप्ति शर्मा को रखना है, टीम मेघराज को रखना है, एस मैथ्यूज को रखना है फ्रेंड्स। ये 5 ऐसा जो कि आपको रखना है, इसको ड्रॉप बिल्कुल आप लोग चाहकर भी नहीं कर सकते, ठीक है। और वही बात करें डीप वैद्य को दोस्तों, इसको ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, ठीक है, जो कि अच्छा हो सकता है फ्रेंड्स। आप लोग चाहो तो आज के मैच में किसको यहाँ पर एन सीवर को या फिर एक केयर को ड्रॉप कर दो, लेकिन दोस्तों काफ़ी रिस्की हो जाएगा यार, इतना रिस्क हमें नहीं लेना है। आपको 5 बेस्ट से बेस्ट ऑलराउंडर फ्रेंड्स आपको पूरा ये दोनों टीम में ही पड़ा हुआ है, केयर, सीवर, मैथ्यूज, दीप्ति शर्मा, दोस्तों काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है। टीम मैग्रथ, चाहो तो टीम मैग्रथ को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन काफ़ी मैं इतना रिस्क नहीं लूँगा, मैं टीम मैग्रथ को लेकर चलता हूँ, ठीक है। अब आते हैं इस बॉलर में, तो दोस्तों काफ़ी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को तो लूँगा, बाकी अब यहाँ पर इस्माइल शायद ना खेले, तो इसको तो छोड़िए, हटाइए गायकवाड़, तो गायकवाड़ ट्राई करना ग्रैंड लीग में। बाकी कुछ आई वॉन्ग ने भी काफ़ी अच्छा किया था, लास्ट में उन्होंने 3 विकेट निकाली थी, तो इसको भी काफ़ी लोगों ने लिया है। बाकी इशाक है फ्रेंड्स, इशाक ने भी काफ़ी अच्छा किया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आई वॉन्ग और इशाक दोनों में किसी को लेना है, तो फ्रेंड्स मैं फिलहाल दोस्तों यहाँ पर चलूँगा इशाक के साथ में, मैं आई वॉन्ग को ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी पी वस्त्राकर को भी ले सकते हो फ्रेंड्स, वस्त्राकर को भी ड्रॉप करना थोड़ा इसकी ग्रैंड लीग पॉइंट पिक, मैं कहूँगा ग्रैंड लीग के लिए और पॉइंट पिक स्मॉल लीग के लिए, दोनों आपके लिए बेस्ट है पी वस्त्रा का, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा टीम बन के रेडी है। अब अगर यहाँ बात करें कैप्टेंसी के लिए, तो आपको सेफ जाना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इलिशा हीली और यहाँ पर छोड़े ही नहीं एच मैथ्यूज और यहाँ पर एच कौर, दोनों बिल्कुल ही बेस्ट है कैप्टेंसी के लिए, दोनों ने काफ़ी अच्छा किया है दोनों रिसेंट मैच में, तो बेस्ट है, सेफ है फ्रेंड्स। आप थोड़ा बात करें रिस्की कैप्टेंसी के लिए, तो फ्रेंड्स आज दोस्तों मैं कहूँगा ट्राई करो किसको, सी ट्रैन को ट्राई करो, और यहाँ पर ट्राई करो फ्रेंड्स यहाँ पर किसको ट्राई करो, टीम मैग्रथ को, जो कहूँगा रिस्की कैप्टन है। गाइस सी ट्रैन क्या है ना, ये भी दोस्तों थोड़ा नीचे बैटिंग करने आती है, तो कहीं अगर कहीं
टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है मुंबई का, तो सी ट्राई रन कर सकती है। और टीम मैगरथ भी काफ़ी नीचे बैटिंग कर लेते हैं, ऑलराउंडर है, आपको बैटिंग बोलने दोनों से पॉइंट्स देगी, तो टीम मैगरथ को भी ट्राई करो, ठीक है। अब फ्रेंड्स थोड़ा बात करें वाइस कैप्टनसी सेफ के लिए, तो सेफ जाना है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दोनों बिल्कुल सेफ है, कौन कौन है, एक यहाँ पर दीप्ति शर्मा सेफ है बिल्कुल वाइस कैप्टनसी का, और यहाँ पर एन सीबर बिल्कुल भी सेफ है, और यहाँ पर एक केयर भी सेफ है, तीनों के तीनों सेफ वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों अगर रिस्क लेना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप लोग ट्राई कर सकते हो के नाविगिरे को वाइस कैप्टन रिस्क की, और ट्राई कर सकते हो सोफी एरिक्सन को वाइस कैप्टन रिस्क की, ठीक है। दोनों ने कुछ उतना दोनों ने काफ़ी अच्छा किया गाइज, ये मुंबई का दोस्तों लगभग सारा प्लेयर्स ने अच्छा किया है, यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स पड़ा हुआ है, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स प्लेयर है इस मैच में। दोस्तों यूपी और मुंबई का जो टीम है काफ़ी ज़बरदस्त टीम है, दोनों में एक से एक प्लेयर्स है, तो यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है कि आपने वाइस कैप्टन चूज करना, लेकिन आप लोग जाकर के टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स, मैं वहीं पर टीम दूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन का साथ में फाइनल टीम, तो जाकर ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए फिलहाल ये मेरा टीम है गाइज, ये मेरा फाइनल टीम नहीं है, आपको फाइनल टीम मिलेगा टेलीग्राम पर ग्रैंड लीग का भी और स्मॉल लीग का भी, तो जाके ज्वाइन कर लो, मिस मत करो, बिल्कुल फ्री है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।